हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल टाइप नॉलेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जो रेलवे में ग्रुप टी की वैकेंसी निकली हुई है उसके फॉर्म हम ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने किसी भी ब्राउजर में जाकर जहां पर से एक वेबसाइट टाइप करनी है, इसका नाम है www.rrbahmedabad.gov.in पर आपने चले जाना है। चले जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आपने यहां पर CEN 2018 पर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसका होम पेज और जहां से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जहां पर से आपको अपना जो भी आरआरबी सेंटर है उसको चुनना पड़ेगा। यहां से मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको रीड कर लेना है और जहां से टिक मार्क कर दें दोनों को और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो न्यू टैब खुलेगी और न्यू टैब में आपने फर्स्ट में अपना नेम डालना है जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ होगा। तो अभी मैं डाल देता हूँ और नेक्स्ट आपने री एंटर नेम डालना है और अब अपने डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर लेनी है। नेक्स्ट आपने अपना आईडी, अगर आपके पास आधार कार्ड तो आपने आधार कार्ड नंबर डाल देना है, नहीं है तो आपने अकाउंट टाइप आधार कार्ड पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम आधार कार्ड डालेंगे और जाकर लेंगे। नेक्स्ट आपने फादर्स नेम डालना है। नेक्स्ट आपने मदर्स नेम। नेक्स्ट आपने मैट्रिक और आईटीआई या आपने किसी भी आपका जो भी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रोल नंबर है वो डाल देना है और पासिंग जीए डाल देना है, आपने कब पास की थी। और नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हो। एक बार और री एंटर कर देना है। और जहां पर आपने वैलिड ईमेल डालनी है जो आपकी वैलिड ईमेल हो, आपने वैलिड ईमेल डाल देनी है और जहां पर ये कैप्चा कोड जो है वो फिल कर देना है। और जहां पर से आपने टिक मार्क पर ओके करना है और जहां पे क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने अपनी डिटेल चेक कर लेनी है और आई हैव वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। आई वेरीफाइड पर क्लिक करके सबमिट कर दें और जहां से आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड और ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया होगा, आपने अपनी ईमेल से और मोबाइल से जो भी ओटीपी है उसको कन्फर्म कर लिख कर उसको आपने फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर से आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपके ईमेल पर कोड आया था ओटीपी उसको आपने डाल देना है और जो मोबाइल पर था आया था उसको भी आपने डाल देना है। तो और ये कैप्चा कोड आपने फिल कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। नंबर नोट कर लेना है, आप लॉगिन करते समय इसको आप लोगों को डालना पड़ेगा और लॉगिन पर क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर से आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो नोट किया था उसको जहां पर डाल देना है। और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपके सामने ये टैब खुल जाएगी और यहाँ पर से आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, आप टेंथ पास हैं या आई टी पास हैं या ओनली टेंथ है। नेक्स्ट आपने अपनी जो भी आई टी पास की थी उसकी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, आप कौन सी ट्रेड में आई टी पास की थी। नेक्स्ट कम्युनिटी टैब में आपने अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है, आप एससी हैं या एसटी हैं जो भी है आपने डाल देना है। नेक्स्ट आपने अपनी स्टेट जो भी है वो सेट करनी है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और यहाँ कास्ट नेम डालना है और यहाँ से अपने जेंडर अपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपने नेशनलिटी पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू कर देंगे रिलीजन में और आपने और यहाँ से आपने नो कर देना है नो, तो आपने पूरी जंग अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और यहाँ पे सेक्शन नहीं देनी है, तो मैं भी नो कर देता हूँ सभी को, तो मैं अभी सभी को नो कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपने पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है, तो आप पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, मैं अभी बैंक से करूँगा ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप जब नेट बैंकिंग के एसबीआई से करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं फिल करना होगा, अगर आप अदर बैंक से करेंगे तो आपको 5.9 रुपीस जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं और अदर पेमेंट मोड भी है। ठीक है दोस्तों, तो पेमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर अपने नेम देख सकते हैं और यहाँ से कन्फर्म कर दीजिए और एक बार और कन्फर्म कर दीजिए। नेक्स्ट आपने अपना ये अगर रुपए डेबिट कार्ड है तो रुपए डेबिट पर क्लिक करें, नहीं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करें और यहाँ पर से अपने कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी पूरी डिटेल फिल कर देता हूँ और अभी फीस मैं पे कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो हो चुकी है, तो अभी आपने क्लिक केयर पर ओके करेंगे और तो आपके सामने जो एक न्यू टैब खुलेगी, तो यहाँ पर से आपने जब भी आपका पहला टेस्ट वो क्लियर हो जाएगा तो आपको जो आपने पेपर किया है उसको रिफंड हो जाएगी। तो जहाँ पर से आपने अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, इस भी अकाउंट में आप जो भी पैसे जो भी है बैक रिफंड हो गए वो डालना चाहते हैं तो जहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दीजिए और कन्फर्म कर दीजिए अकाउंट नंबर एक बार और। नेक्स्ट आपने अपना बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है और जहां पर आपने एक चेक मार्क कर देना है और जहां पर सेव अकाउंट पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब खुलेगी जहाँ पर से आपने सेट प्रेफरेंस में आपने क्लिक करना है और जहाँ पर से आपने वो पोस्ट को फर्स्ट या सेकंड सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप पहले चाहते हैं। तो अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी मैं फर्स्ट पर हेल्पर इलेक्ट्रिकल एसी की सेलेक्ट करना, तो मैं 1 लिख देता हूँ और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पर 2 लिख देता हूँ और जहाँ पर से मैं 3 लिख देता हूँ और जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड क्या चाहे आपकी चॉइस है और थर्ड क्या चॉइस है वो आपने फिल कर देनी है जो सभी। तो आप जो सभी फिल कर सकते हैं, तो मैं अभी 8 को ही फिल करूंगा, तो मैं अभी चेक मार्क करता हूं तो और एक्सेप्ट कर सकता हूं कर देता हूं। और जहां पर से आपने मैट्रिक का बोर्ड सेलेक्ट करना है और
आपने कब कहाँ से की थी और आपने यहाँ स्टेट सेलेक्ट करनी है। और जहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और पासिंग ईयर लिख दीजिए आपने कौन से ईयर में पास की थी। यहाँ पर से आपने अपनी परसेंटेज लिख देनी है और नेक्स्ट आपने आईटीआई की डिटेल फिल करनी है, आपकी कौन सी स्टेट की आईटीआई है, एससीवीटी की, और जहाँ से आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है और आपने आईटीआई की परसेंटेज ले लेनी है, आपने कितने परसेंट मार्क्स जो है वो प्राप्त किए थे। और अगर आपके पास कोई डिटेल अदर है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की हुई है तो वो आपने डाल देनी है। नेक्स्ट आपने मदर टंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप पेपर की कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर से आपने अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पर से आपने एग्री पर टैग मार्क कर देनी है और यहाँ पर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी एक पिक्चर डाउन पिक्चर फिल करनी है, तो आप देख सकते हैं जो सैंपल है पिक्चर की, आपने जो भी पिक्चर है उस पर आपने फोटोशॉप या पेंट में जाकर आपने अपने एक फ़ोटो के ऊपर आपने जब भी आपने फ़ोटो खिंचाई थी वो डेट लिख देनी है और आपने अपना नेम लिख देना है और उसको आप जेपीजी में सेव कर लेना है और उसका जो साइज है वो 20 से 50 केबी के बीचकार होना चाहिए। अभी मैं अपनी पिक्चर डाल देता हूँ, जो तो पिक्चर डल गई है तो अपलोड फोटो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो आ गई है और यहाँ से आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है और आपने ये इस एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपकी डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।